यार भूरी, मैं बहुत परेशान हो गया। एक तो इन दोनों भाइयों ने मेरी नाक में दम कर रखा था, ऊपर से इनका बाप और आ गया। मैं तो तुमसे पहले दिन से कह रही थी इन्हें भगा दो, पर तुम ही ना माने। मुझे पता मेरे मैके वाले कितने सुअर है, अब झेलो इन्हें। अबे है तो तू भी उसी घर की, इस हिसाब से तो तू भी सुअरिया हुई। भगा दो करे जा रही है। अबे कैसे भगा दूं? तुझे अच्छा लगेगा जब वो चार आदमियों में बैठ के मेरी बेइज्जती करेंगे कि हम अपने फूफा के घर गए, फूफा से हमारी इज्जत भी करनी ना आती, हमें भगा दिया। बता क्या इज्जत रह जाएगी चार आदमियों में मेरी? यह बड़ी इज्जत प्यारी हो रही है, और जो रात को 15-20 सेकंड में बेड पे ढेर हो जाओ तो इज्जत प्यारी न लगती। एक तो वैसे ही मेरा मूड खराब रहा है, ऊपर से वो आ जाएगा फूफा फूफा करता हुआ। फूफा वेयर आर यू ब्रो यार? अबे तूने साले फिर नकोटा फोड़ लिया अपना, देखू। नकोटा ना फूट आपके, बस जरा सा खोपड़ा फूट गया। अरे कुछ ना हुआ बेटे, मेरे लाल खड़ा हो जा, चीटी मरी है। चीटी ना मरी, गांड मर गई, खोपड़ा फूट गया। अबे तू गधा है, पहले तूने नकोटा फाड़ लिया, अब तूने खोपड़ा फाड़ लिया। जब तुझसे कुछ आता नहीं तो हरामीपन करता क्यों है? ना पुपा, फरस में कमी है, ऊंचा नीचा। नाचना आता नहीं आंगन टेढ़ा। अरे तुम उल्लू को चुदे हुए हो कौन? अकल नाम की चीज है फूफा तुम्हारे अंदर या नहीं? नाच रही हूँ मैं, आंगन टेढ़ा किस हिसाब से बता रहा हूँ? आंगन नहीं। अबे कहावत बता रही था मैं, काम बता काम किस काम से आया है? अच्छा कहावत मार रहा हो। मैं कह रही हूँ पापा आए हुए हैं यार, नाश्ता पानी का देखो जरा, गुस्से के तेज है, चेत जाएंगे इतनी देर में। हाँ चेतने का नंबर नहीं आएगा भाई, मंगा रहा है नाश्ता अभी। बाबू भाई तुम क्या ही गलत रहे हो, अबे फूफा तो बिना कहीं भी नाश्ता मंगा लेंगे। इस दुनिया में सिर्फ एक ही हीरा है, वो है मेरे फूफा जी। सूर्य वंशम वाला जो हीरा है ना, मेरे फूफा के आगे जीरा है। अबे गधे मैं जानता हूँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूँ बता? फूफा से। देखा तुमने फूफो, देखा तुमने मैंने कुछ बोला तो नहीं? सब जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार फूफा से करता हूँ और दिल से इनकी इज्जत करता हूँ। ए पापा तुम इनकी बातों में मत आइयो, जिंदी ओवर एक्टिंग करके तुम्हें पटा रखा है इन्होंने। ये बहुत सुअर लगता है इस घर के अंदर, नफरत चढ़ती है इसे देखते ही मुझे। साले जानवर कटिया की तरह फैला पड़ा, 150 गज का प्लॉट हुआ पड़ा पूरा। शर्म ना आ रही तेरे मामू आए, ये तो कह रही है नाश्ता पानी करा दूं और बहस कर रही है मुझसे, और फूफा देख रहे हो तुम, तुम्हारी आंखों के सामने क्या कह रही है? इससे छोटा हूं मैं बड़ा हूं, तुम कुछ कह भी नहीं रहे इससे यार। अरे कंगे रुक तो जा, अभी कंगे इससे डांटेंगे साले को। अरे ना कंगे यार, ये क्यों कंगे, हम तो गैर है इनके लिए, इनका तो लोंडा है ये, हमसे क्यों कंगे? ये हमसे मोहब्बत थोड़ी कराए, हम ही तो कराए इनसे। वे इस चक्कर में मत रहिए, अपनी औलाद से ज्यादा हम भतीजों से मोहब्बत करते हैं फूफा जी। और रुक जा बात रही, इसने तुमसे ऊंची आवाज में बात करी है, अभी साले के दो मारेंगे इसके, रुक जा। देख रही हूँ मैं भी, कब मारेंगे, मैं खड़ा दो यही। शुरू करो साले साहब। मैं कह रही हूँ फूफा नाश्ता हल्का पड़ लिया, न काजू है न मुनक्का है, 500 रुपये और दो लेके आ जाऊँ फटाफट में, वरना पापा खिसी आ जाएंगे यार। अब गाड़ पे चप्पल फेर दूंगा, ना तो चुपचाप पीछे को बैठ जा। शुरू करो पापा, नमकीन से शुरू करो। लो अरे छोड़ो यार, बच्चा है। और बताओ क्या हो रही है? क्या सुना मैं बहनोई साहब, बस पिछले महीने झगड़ा हो गया था, एक अमीर आदमी गरीब आदमी को दबा रिया था, मुझसे ना देख गया, मैं भिड़ गया अमीर आदमी से, मैंने धड़ा धूप इतना मारा उसे बहुत ही, केस हो गया तो उसमें 10-15 लाख रुपए लग गए मेरे। बड़ी लंबी फाड़ दी पापा ने तो। हाँ ये तो है फूफा, पापा गुस्से के तेज बहुत है, मुझ पे ही गए ना, मेरा भी तो ऐसी सिस्टम हो गया था। सुनो यहीं की बात है जो है की, बस मैं 25-1 लौंडा भर के जा रहा था, शोर काटते हुए जा रहा है, तुम्हारे भतीजे को शोर पसंद नहीं है जी, गुस्सा बर्दाश्त नहीं है, मैंने मई बीच रोड पे बस रोके सूता सालों को, सबको एक को भी ना छोड़ा, सबको ही सूता, 20 लाख के करीब मेरे लगे हुए। मैं कि पैसे की चिंता नहीं है, मूड खराब गलत कर दिया, मैं फेर ही सबका। फूफा एक मर्डर केस मुझ पे भी चल लिया यहाँ पे। भाड़ू कम बोल ले जरा कम, अभी खतने तक तो हुई ना तेरी, तुझसे मर्डर केस लग गए, बुलवाऊ झूठ अभी? मतलब पापा ने झूठ बोला मैंने कुछ कही तो ना, तुमने झूठ बोला मैंने कुछ कही, थोड़ा सा झूठ हम बोल रहे तो हमारी रख लेते, थोड़ी बहुत इज्जत हमारी बन जाती फूफा के सामने। अरे हम तुम्हें सब कुछ आने हैं यार, इस बात को छोड़ो नाश्ता करो। अबे यार मक्खी, ये साली रंडी बर्फी पे बैठ गई,
तो हक के भाग जाएगी, खानी हमें पड़ेगी। छे छे, अरे कौन सी बर्फी पे हक दिया मक्खी ने, लाओ हमें दे दो, हम खा लेंगे। अब बेटा अनवर, अबे यार मामू मामू यूं मैं कम से कम पूछ तो लिया। हाँ मामू आ रही हूँ। आप मत, एक गिलास पानी लिया। साला मामू भी बिच कपड़ा ही निकला अपनी औलाद की तरह। आज नाश्ता तो मैं करके रहूंगा और सुनूंगा ही ना, पानी दे के तुरंत बैठ जाऊंगा और साला सारा नाश्ता खा जाऊंगा। नाश्ता पूरा खत्म? नाश्ते पे ध्यान दे रही है, पानी लाने पे ध्यान नहीं दे रही है। पानी दे मामू को अपने। मामू को पानी देना ना, ले तू ले। भाई तू मेहमानों के साथ जरा तमीज से ही पेश आ लेकर, ये तुझे बार बार मारूंगा अच्छा लगेगा। और एक तू हैगी सुअरिया, इसे समझा ना सकती। अबे चले जाएंगे कुछ दिन में, मेहमान है, कम से कम जाके हमारी इज्जत तो करेंगे। पापा तुम हर बार मुझे ही डांटते रहो, उनकी गलती हो फिर भी मुझे डांटो। पिछली बार भी उन्होंने ऐसी करा नाश्ते में, इस बार भी ऐसी कर दिया। हाँ सही कह रही है मेरा लोंडा, हर बार तुम इसे डांटते रहो मारते रहो, उनसे कुछ ना कहते। ओ कंजड़िया चुप रह ले चुप, कभी ज्यादा बहस करवाऊ, मेहमानों को डांटूंगा अच्छा लगेगा। और तू आगे से सुन ना लू कोई बात। फूफा अबे सब जगह ढूंढनी हो यार, तुम यहाँ खड़े हो बताओ, हद है तुमसे भी, बड़े आराम आराम से बातें कर रहे हो, क्या मामला, सेक्सी बातें चल रही है क्या? बहुत बिगड़ लिया है तू, सुधर जा यार। मैं कह रहा था वो इसका दिल कर रहा बाहर घूमने का, इसे घुमा लाऊं क्या? हाँ जा घुमा ला। चलो अब 500 रुपए। अब तो शर्मा क्यों रिया फूफा के सामने, कह दे पागल फूफा ही तो अपने, 500 रुपए वो कह रिया। बाबला शर्मा रिया फूफा से, अपने ही तो है फूफा। हाँ ले ले ले। जाओ घुमाई जाओ। अनवर भैया तेरे लिए कुछ खाने का ला के दूं बता? ना मेरे लिए कुछ मत लाओ। ए नक पहले मुंह पर मारूंगा एक, शर्मा मत, तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझसे हक है तुझे कहने का, बता क्या खागा? तो एक काम करियो खीर ले आइयो मेरे लिए। अबे घोड़ी खीर खागा साले, सूर्य वंशम में क्या हाल हुआ अमिताभ बच्चन का, खून की उल्टी हमारी खीर खाते ही, कुछ और बता। तो एक काम करियो मेरे लिए एक दर्जन केले ले आइयो। केले खा मैं, बंदर बंदर है तू, अगर बंदर है तो ले आऊं केले बता, ये लटक रिया पहले इसे ही खा ले। मैं कुछ ना खा रिया। ए शर्मा क्यों रिया, खुल के बता बता बता। जलेबी ले आइयो मेरे लिए। जलेबी घंटी खा मैं, मीठे लोग खा मैं जलेबी, मीठा तू गाड़ पाड़ देने लगा कैसे? मेरे लिए जहर ला दे जाके। हाँ ये मांगी ना ढंग की चीज, ये ले आऊंगा। तू सही सी चीज ना मांग सकता? अबे बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं भाई यहाँ तो, कोई प्रोग्राम दिखे है। आओ तो खाना यहीं खा ले। अबे रुको, इस हालत में जाएंगे तो कोई भी पहचान लेगा बिना दावत के आए। आओ तो फिर चेंज कर ले। अब बता कोट पैंट का रोला चलता है? हाँ यार कोट पैंट का रोला तो है बेटे, कोट पैंट में जो शादी ब्याह में जाता है ना लोंडी भी 3-4 पटाखे लाता। अबे यार फिर तो मजा आ जाएगा, आओ फिर। देख बे देख खाना खाएंगे बाद में, पहले लोंडियों की तरफ को चलना है। क्यों बे हाथी के खुरंड, शर्म ना आ रही तुझे 40 में की फातियों में आया कोट पैंट पहन के, और टोपी कहाँ तेरी? जल्दबाजी में भूल गया यार मिलन। जल्दबाजी में कोट पैंट पहनने ना भूला तू? चलो पकड़ो टोपी और चलो दोनों बैठो फातियों में। फातियों में ना बैठूंगा मैं, नहाए हुआ ना हूँ। तुम्हारे सालों यही तो ड्रामे है, फातियों के टाइम पर नहाए हुआ ना हूँ, वैसे कोट पैंट पहन के घूम रहा हो, तेरे सूरत से मुझे पता लग रहा है नहाए हुआ तो। चल बैठ फातियों में को। ए यार बाबू भाई झूठ क्यों बोल रहा हो, नहा के तो आए हैं दोनों, अब जब आए गए तो थोड़ी देर बैठ लें, खाना खा के चल देंगे। हाँ यार खाना तो खाई लेंगे। कितनी देर में शुरू हुए? मौलाना आते होंगे फिर उनके आती फाती चालू जाएंगी। फाती है नहीं खाने को पूछ रही हूँ। यार यार सबर कर ले। मैं कह रही हूँ कॉफी का भी तो इंतजाम होगा। ओ तेरी अम्मा की बारात चल रही है यहाँ, जो कॉफी बसाते चाउमीन सब होंगी यहाँ। शर्म कर ले शर्म, 40 माह है। बाबू भाई जाहिल हो कौन हो, अबे 40 माह चल लिया, 40 माह में कॉफी कौन रखता? हाँ बस रसगुल्ले होंगे सुन्नत अदा करने के लिए। यार रसगुल्ले मुझे अच्छे नहीं लगते, इमरती को कहूँगा मैं तो इनसे, मुझे इमरती ला कर दो। Thank you.
मैं कह रही हूँ बोटी साफ मत दियो, हड्डे वाली दियो, मींग की जरूरत है यार जरा। चल बे चल बोटी ना है। अबे चेक तो करो यार कैसा ना होगी बोटी। अबे देख ले बाल्टी में ना है बोटी। अब तो लेके आओ, देख में से निकाल के लाओ यार, चाहिए मुझे हर हाल में, लेके आओ। अबे 40 में आया तू, थोड़ी बहुत शर्म तो कर ले, जाहिल है क्या बिल्कुल तू? जाहिल है तो बता भी लेके आऊं। हाँ जाहिल तो हूँ। अब कैसे दो कोड़ी के मेहमान आए तुम्हारे यहाँ, बिल्कुल जाहिल साले, बोटी मांग रहे हैं। बोटी मांग रहे हैं? कौन मांग रहा है ये दिखाइए जरा। ये आएंगे दोनों। फिर आ गए वे, तुम्हें चैन नहीं है बिल्कुल भी, ना शर्म है बिल्कुल भी, पूरे कुत्ते हो, जानवर हो, खाने खराब हो, भीख मांगनी स्टार्ट कर दो रोड पे, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही भाई। इतनी नाल तो दे रहा हूँ फिर भी यहीं बैठे हो, उठ के नहीं आ रही तुमसे। चुप बे, यहाँ कुआ चावल दे ला, ला तू भी दे। चल निकल। साले कोट पैंट पहन के आए। बाबू भाई आज तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। तो टेंशन के ले रिया है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अखबार पढ़ लो, यहाँ बैठ के कुछ होश है ना तुम्हें? अरे क्या बात हो गई बड़े भाई, बैठो पहले, बैठ के बात बताओ। बात ही क्या होगी, वो आएंगे तो तुम्हारे घर में दो शैतान के बाप, पहला कफन उड़ाइए अम्मा का, कैसी देख पलटिए उड़ दोगी, कैसे जाहिल है भाई तुम्हारे भतीजे, उनसे बड़े जाहिल तो मुझे तुम लग रहे हो, समझाई नहीं जा रही है तुम्हें बिल्कुल भी उन्हें। इज्जत करता हूँ मैं तुम्हारी थोड़ी सारी, वरना तो तुम्हारे भतीजे भी पिटेंगे और तुम भी पिटोगे साथ में। वो बड़ी मुश्किलों में तो अम्मा हमारी मरी, न साले दफन होने दे रहे हैं, न 40 में होने दे रहे। अबे यार इन्होंने फिर नाटक खड़ा कर दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आगे की होती फिरेगी बात बाद में, ये जो नुकसान कर गए हैं 8,000 रुपए की पूरी देख पलटी है, उसके पैसे दो पहले। 8,000 रुपए की देख? अबे भैया कौन सी देख बनवाई थी? हमारे यहाँ ऐसे होते हैं फंक्शन, बराबर का कोट डलवा में, लाओ दो पैसे जल्दी। अब कैसी कोई गलती कर दी ना उन्होंने तो बहुत ही मारूंगा। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। फूफा पूछेंगे तो क्या जवाब देगा? अरे ऐसे बन जाएंगे जैसे हमने कुछ करा ही ना है, उसमें क्या है। क्या हुआ फूफा, बड़े गुस्से में खड़े हो, पैंट मांग लिया कैसे? चुप, गया कहाँ था ये बता। हम तो कहीं भी ना गए फूफा, हम तो घर पे ही हैं सुबह से। आज तो हम यही हैं, कहीं जाने का मन ही ना हुआ हमारा। झूठ बुलवाऊं अभी? ना पापा यकीन मानो यार, कहीं नहीं गए, बस घर के बाहर तो खड़े हुए थे कुछ देर के लिए, फिर वापस यहीं आ गए। अच्छा तो घर के बाहर खड़े थे तुम, हैं जिसका कफन उड़ाया था उसके घर ना गए हो 40 में मैं कोट पैंट पहन के? अच्छा वो उसके घर तो गए थे पापा, हम बाहर ही तो बैठे, वो आया और खींच के ले गया हमें कि चलो चलो। मैंने कहा कहाँ चलो, ये बोला चलो देखते हैं कहाँ लेके जा रही है। हम पहुँच गए तो साला दावत में को ले गया, बाद में पता चली 40 में की फांतियाँ, इतनी देर में तो खाना खिलवा दिया उन्होंने हमें, बस ये बात थी। अबे सालो झूठ पे झूठ बोल रहे हो कुत्तो, तुम उसके घर खाने की देख ना पलटिया है, वो तो मेरी इज्जत करता है जो मुझसे कुछ कही ना, कोई और होता तुम उस पर रैपटे फेर के जाता, तुमसे अच्छा तो मेरा लौंडा है, कम से कम उनने मेरी बेइज्जती तो ना कराई। तुम ये घूमने आयो या मेरी बेइज्जती कराने आयो? फूफा गलती हो गई फूफा, ये बहुत बड़ी, मुझे माफ कर दो फूफा, मुझे ना पता थी आपके दिल को इतनी ठेस पहुंचेगी, ये मुझसे अनजाने में गलत काम हो गया फूफा, बाकी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ फूफा, आपका दिल तोड़ लेगा, मुझे कोई वो नहीं है कि मैं जानबूझ के चाह रही हूँ, मुझसे धोखे में हुआ, बाकी ये मेरा चप्पल आएगा और ये मेरी गांड आएगी, लो फेल लो। अबे चल जा अंदर को जा यहाँ से। ए यार कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। अच्छा सुन। जी फूफा जी। कोई बात दिल पे मत ले, ले कुछ पैसे रख ले। ना फूफा जी पैसा ना चाहिए, रहने दो। अबे ले 100 रुपए रख ले, कुछ खा लिए। 100 रुपए में क्या लोड़ा खाऊंगा, 500 तो दो कम से कम। ले 500 ही ले ले। यार बाबू भाई कब तक चलेगा ऐसा? देखो हम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास, कितने दिन से हम अपने फूफा के घर में रह रहे हैं, अगर इन्होंने हमें धक्का दे दिया तो क्या होगा हमारा? यही बात कई दिन से मैं सोच रही हूँ यार, टेंशन में हूँ इस बात को लेकर के, पैसे वैसे भी फूफा के ही खा रहे हैं हम, हमारे बाप तो हमें कुछ देंगे ना। कुछ सोचो जिससे कि अपने दोनों का रुतबा हो और एक ठिकाना तो बन ही जाए हमारा,
अब वक्त आ गया आपने पैरों पे खड़े होने का। एक काम करते हैं यार, शादी कर लेते हैं दोनों जने। साला 8-8 लाख रुपए दहेज में मांग लेंगे, पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी, और रही बात रहने की, ससुराल में ही रह करेंगे दोनों जने अपनी अपनी। मरे अभी भीख पे ही तुम यार, ये नहीं क्या कुछ काम धंधा कर लें। अबे तू पागल है कौन है, काम धंधा करने की उम्र है अपनी अभी? हर कोई कह देगा नाबालिग होके काम कर रहे हो, शर्म ना आ रही? पुलिस वुलिस भी ले आ सके किसी भी दिन उठा के। ओहो काम धंधे की उम्र ना है तुम्हारी और शादी करने भाग रहो? कोई लड़की वाला तुमसे ये ना पूछेगा लड़का कमाता क्या है, झूठ बोलोगे उससे, किसी की लड़की की जिंदगी खराब करोगे? तुम करके दिखाओ शादी, मैं उसे सब सच बता दूंगा। तू सच बता बेटे, उन्हीं लड़की वालों के सामने तेरी गांड पे लगा के तेल और धे पेलम पेल और धे पेलम पेल, भूल जाऊ छोटा भैया तू। अरे हाँ तुम शादी करो यार अपनी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं क्यों कुछ कहूँगा। मैं करूँ तैयारी शादी की, तू ना करेगा क्या? अरे नहीं यार मैं नहीं करूंगा शादी। क्यों तू शादी क्यों ना करेगा भाई? अरे बस है एक बात। है कोई बात? कोई लड़की फड़की का चक्कर तो ना है कि अपनी पसंद से चारिया शादी करना? यारो बाबू भाई कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी ना जैसा तुम समझ रहे हो। घबरा मैं मत, मैं तेरा बड़ा भाई बाद में हूँ, पहले पक्का दोस्त भी हूँ, बिल्कुल निडर होके बता। नहीं बाबू भाई ऐसी कोई बात ना है यार। फिर कह रही हूँ तुझसे, अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दे, मैं खुद शादी कराऊंगा तेरी। हाँ एक भाभी है तो तुम्हारी। पकड़ा गया भूतनी के, रातों को खुसर पुसर बातें कर रिया, सुबह को उठ के गुसल मार रिया। यारो बाबू भाई वो तो गुसल करना ही पड़ेगा ना, रात को लीकेज हो जा तो। तेरे बड़े लीकेज हो रहे हैं दांत के मरीज। तुमने तो यार दोस्ती का वादा करा था मुझसे। ऐसी दोस्ती फलान पे रखता हूँ, बिगड़ दिया है कुत्ते भाई ना, बिगड़ दिया है लंडिया बाजी। देखो इन दोनों के तो यहाँ आ रहे हैं मजे, ऊपर से इनका बाप और आ गया, वो और पूरा दिन सोता रहता। पूरे दिन ना सोते हैं, बहुत बड़े नवाब हैं, दोपहर को उठते हैं खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं, फिर रात को उठते हैं खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं। देखो पापा मेरी बात सुनो, तुम इज्जत के पीछे भाग रहे हो, वो इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं, तुम एक काम करो इन्हें भगा दो। बेटे ऐसा नहीं भगाया जाता है, रिश्तेदारी भी कुछ चीज होती है, अगर मैं उन्हें ऐसा भगा दूंगा कल को तेरी शादी होगी, उनसे बात भी तो लेना है शादी में। अब मैं एक काम करता हूँ। क्या पापा? बहुत इनसे लाड़ प्यार दिखा दिया, अब मैं इनसे मुंह बिगाड़ना शुरू करता हूँ, जब इन्हें दिखेगा ना कि फूफा मुंह बिगाड़ना है, अपने आप भाग जाएंगे घर को। ठीक कह रहे हो पापा तुम ही। हाँ अब यही करते हैं, चल लिया। हाँ भाई आज शाम को क्या बना रही हो? फूफा जी मैं कह रही हूँ स्विमिंग पूल किधर से चलेगा, चल भैया जरा आज नहाने का मूड है अपना। मैं चल वे, कोई स्विमिंग पूल विमिंग पूल ना, चल लिया। देखा मना कर दी ना फूफा ने, अबे जितना मुझसे प्यार करते हैं इतना तुझसे प्यार नहीं करते हैं। अब देख फूफा स्विमिंग पूल चलवाओ जरा, मेरा मन कर रिया नहाने का। हट साले का चूमर, चल यहाँ से, कोई स्विमिंग पूल ना, चल लिया, चल अंदर को निकल। फूफा जी क्या है बे, चलवा दो यार स्विमिंग पूल यार, चला लूँ बताओ। तुझसे मना कर दिया आवाज नहीं आई, चल निकल अंदर को। बाबू भाई यार फूफा तो मान के ही ना दे रहा है, कुछ करो। अब फूफा को जो है ना 200 mg की गोली देनी पड़ेगी। मैन फोर्स की? अबे नहीं मीठी गोली, प्यार की गोली। जब दूंगा ना फूफा को तो खुद कहेंगे अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, जा चला ले स्विमिंग पूल। आ जरा चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? फूफा। ओ मेरे फूफा। धक भूतनी को, साले मस्का लगा रहे हो स्विमिंग पूल चलवाने के चक्कर में, आज स्विमिंग पूल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे तुम एक काम करो, मैं खुद ही वहां आ जाऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अरे ये स्विमिंग पूल किसने चलाया? फूफा आ जाओ, बी वाली चट्टी पहन के आ जाओ, गोवा का मजा यही लेंगे। पहले तू ये बता, जब मैंने मना करा था स्विमिंग पूल नहीं चलना चाहिए तो किसने चलाया ये? अरे यार फूफा तुमने मना करा था, मुझे लगा तुमने कहा चलेगा चलेगा चलेगा, इस चक्कर में मैंने चलवा लिया यार। तो चलो ना आ रहे मुनसाद, निकल जा भैया। क्या हुआ बाबू भाई? फूफा तुम भी आ जाओ नहाते हैं साथ में। सही कह रही है आप फूफा ये, लेकिन अब भी अगर तुम्हारी ना है तो नहागा कोई ना, ना ये ना मैं, और अगर तुम्हारी यहाँ है तभी ना आऊंगा, क्योंकि तुम्हारा कहाँ नहीं टालूंगा, इस दुनिया का कहाँ टाल दूंगा, दुनिया का तुम्हारा नहीं टालूंगा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बताओ क्या करना, नहा लूं? अब तो तूने भर ही लिया, मेरा मूड खराब तो कर ही दिया तूने, चलो जाओ नहा लो दोनों के दोनों। मुझे पता थी मेरे फूफा मुझे मना कर ही नहीं सकते, लेकिन अकेला नहीं नहाऊंगा।
होगा। घर में ही जिम स्टार्ट कर दी थी क्या वही अनबर भाई? बॉडी बना रिया? अगर बेटे तुझे खतरनाक बॉडी बनानी है ना सिक्स पैक वाली, तो इनके चक्कर में मत पड़, डंबल बम्बल से कुछ ना होता, डाइट ले, रेगुलर लोड़ा शेक पी, बॉडी कुछ खतरनाक बनेगी, सेक्सी बॉडी एकदम, चूतलों में भी कट आ जा। अरे चुप जा यार, मुझे इतनी खतरनाक बॉडी ना बनानी, बस ये अपना मोटापा कम करना। अच्छा मोटापा कम करना तो सही है सिस्टम, 7:30 का आइए। और बताओ अनमर भैया क्या चल लिया? क्या हुआ उठा ना? तो ये पता ना उठा, साले 70-70 किलो का डंबल उठा लूँ ऐसे ही चुटकियों में, पर यहाँ ना उठाऊंगा, जिम में चलिए किसी दिन, वहाँ दिखाऊंगा अपना जलवा। हाँ तेरी शकल देख के लग भी रिया, तू 70 किलो का उठा भी लेगा। तेरी जिम में 300-400 रुपए पड़े होंगे, दिए जरा। तू ये क्यों दूँ भाई? अरे मुझे अपने लिए ना चाहिए यार, फूफा जी मंगा रहे हैं, कोई काम होगा उन्हें, देरी हो तो दे वरना मत दे, मना कर दूंगा उनसे। ले 300 रुपए पापा को दिया जाके। अरे भाई वाह बेटे, आज मुझे लग रहा है सब एक साथ ही जिम कर रहे हो। फूफा यहाँ क्या कर रहा हो? फूफा बुला रही है कब से, जाओ अंदर को जाओ चलो। पापा 300 रुपए किस काम के लिए मंगाए तुमने? मैंने तो कोई पैसे ना मंगाए बेटे, इन्होंने मुझसे 300 रुपए लिए कि तेरे पापा मंगा रहे हैं। भाई वाह बहुत प्यारी एक्टिंग करता है फूफा, झूठ बोलने की कसम से यकीन ही आ रही है, पूरा कि सच ही बोल लिया होगा, जॉनी सिंस की जगह पठान पिक्चर में ये होने चाहिए थे भाई साहब, मक्कार ये झूठे ये, देख रहो हम क्या करेंगे भाई 300 रुपए का, और हम क्यों लेंगे इनसे 300 रुपए, बहुत बढ़िया भाई। झूठ बोल लिया, इसकी जेब में 300 रुपए आएंगे अभी दिए मैंने। ओहो इन्होंने भाई साहब ने गिनते हुए देख लिया, दिखाया मुझे 300 रुपए, ये वही वाले 300 रुपए हैं फूफा जो घर से लाया हमें, देखो 1, 2, 3, इन्होंने सोची कि मैं अपने बता दूंगा और इनके हो जाएंगे, इन्हें ये का पता इनका भैया दिलेर है, ले पकड़ बेटे ऐसे ही। फूफा देख रहे हो तुम भी कुछ नहीं कह रहे, ऐसे दे उसके, तू सुधरेगा ना, बहुत तोड़ूंगा साले तुझे, मुझसे मांगने कितने रुपए लेने, इससे क्यों ले रिया, मेहमान नहीं है। अरे हम ये हरकत करेंगे थोड़ी यार फूफा, हमारे तो फूफा घर है, हम तुमसे मांग लेंगे, इससे लेंगे नक फैले से, कल ले भाड़ो जिमी। बाबू भाई सुअर तो बहुत देखे, तुम जैसी काली जीप का सुअर कहीं ना देखा। जी हमारे होते हुए गाड़ी खुद धो रहा हो तुम? अरे बेटे तुमसे क्या गाड़ी धुलवा मैं, हम खुद ही धो लेंगे यार। अरे हमसे कहोगे फूफा हम तो तब भी ना धोंगे, हमसे तो अपने ही काम ना होते ये काम क्या करेंगे हम, लेकिन मैं कह रही हूँ हाथ से मत धो यार, वहाँ धुलवाओ इसे, क्या कह मैं उसे, धुलाई सेंटर। हाँ धुलाई सेंटर पे धुलवाओ, लाओ मैं धुलवा के लाऊं, चमक मारेगी, नहीं लगेगी एकदम। अरे हम खुद ही धो लेंगे यार हाथ से, कितनी भी यहाँ धो लो तुम चमक नहीं मार सकती, पूरा दिन भी घिसोगे जब भी, वहाँ धुलवा के लाऊंगा, जबरदस्त लाइट मारेगी, पॉलिश अलग करके देगा, लालच मत करो, चाबी लाओ लाओ धुलवा के लाऊ। अरे यार कहाँ चक्कर में पड़ लिया है, छोड़ भाई, जानवरों में पागल होता है गधा, और अगर इंसानों में कोई पागल है ना तो वो फूफा तुम। अबे गाड़ी धुलवाने हम जा रहे हैं तो तुम्हें क्या आपत आ रही है भेजने में, लाओ चाबी यहाँ को। चल अच्छा ले ले, ले चाबी, और ले 500 रुपए भी ले जा। और सुन मेरी लगते जिगर गाड़ी है, ऐसा ना हो रोड पे गुनगुन कर रहा है, देख ना लूं। कैसी बात कर रहा हो फूफा, गाड़ी तुम्हारी लगते जिगर है, मेरे लगते जिगर तुम हो, खुरैच तक ना आने दूंगा गाड़ी पे, एक भी खुरैच, चमका के ला रही हूँ अभी। कहा भाई साहब देखने की भी जरूरत ना है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, एकदम साफ कंडीशन। हाँ दिख रहा है, पेपर कहाँ है इसके गाड़ी के? पेपर पेपर ना गाड़ी के, ऐसा समझ लो चोरी की है नहीं चोरी की, लेकिन समझ लो चोरी की है, जो भी है ये है। अच्छा ये सिस्टम है, क्या रुपए मांग रहा गाड़ी के? कितने पैसे मांग लूं? 4 लाख रुपए मांग ले। अबे चुप, 4,30,000 मांग लेता हूँ, क्योंकि कम भी तो करेगा कुछ, दिमाग से काम करेगा यार, 4,30,000 रुपए। चल बे गाड़ी के तेरे पेपर तो है ना, इसके मैं 30,000 रुपए दूंगा। अब हट काली है, 30,000 रुपए में कौन बेच रही है? चल जा हट, मैं भी ना लेने का 30,000 से ऊपर की इसे। क्या करें अब? करना क्या है, दे दो हमारे बाप की थोड़ी है, लाओ चलो लाओ दो। वैसे भाई साहब लंबे बहुत हो तुम, ऊंट की गांड तो ऐसी चूम लेते होगे बिना उच के ही। भाग यहां से। फूफा फूफा फूफा, वही वाले गुंडे आ गए, ये लंबी बंदूकें लेके हमसे कार छीन के भाग गए फूफा, मैं क्या करूं
मैं बहुत घबराहट हो रही है फूफा। अबे ऐसे कैसे कोई गाड़ी ले जाएगा, तुम्हारा हर बार का यही रहता है, कांगई गाड़ी ये बता। अबे मेरे पता कहाँ है, मुझसे तो छीन के भाग के गाड़ी बोल, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रही है। किधर को गए गुंडे ये बता, चल मैं चलिए साथ। अबे बोल, अबे बोल क्यों ना रिया। अरे फूफा अभी बाबू भाई से कुछ मत कहो, बाबू भाई सदमे में, बाबू भाई चलो तुम आराम करो। फूफा चुप जा यार। अबे मेरी गाड़ी यार, कितनी मेहनत से ली थी मैंने वो कार और इन्होंने 2 मिनट में छिनवा दी। पापा देखो मुझे कुछ ना कुछ घपला लग रही है। घपला लग रही है? घपला है, मुझे तो लगता है ये दोनों भैया कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ना तो ऐसे कौन कार चुरा के ले जाएगा। सही कह रहे हो तुम दोनों, शक तो मुझे भी हो रहा है। अबे पहले मोबाइल छिनवा दिया, फिर साइकिल छिनवा दी और अब कार। शक तो मुझे भी पूरा हो रहा है पापा। अब तुम देखो क्या करता हूँ मैं सुबह। अरे अनवर, अरे कहाँ गया भाई अनवर? हाँ पापा। तेरे फूफा आ रहे हैं, जल्दी से घर की साफ सफाई करा और उनके लिए नाश्ता लेकर आ जा जल्दी। ठीक है पापा। कहाँ रह गए भाई? अरे बेनोई साहब इन्हें क्या हुआ? ये क्या हो गया, इतना खून बह रहा है, किसने की तुम्हारी ये हालत? आओ पहले अंदर को आओ। बैठो बैठो। अब बताओ किन्ने मारा है तुम्हें? क्या बताऊं तुम्हें, बहुत खून खुला हुआ है मेरा, 2 लफंगे मिल गए थे रास्ते में, उनसे तो बदला लूंगा मैं। प्यो पुत दियां हुंदियां ने यारियां, आजा बापू पाए पंग।